Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 2. Uncle Poja hangs a picture. In this story, we are going to read about an uncle whose name is Uncle Poja and he tries to hang a picture in his house. In this meanwhile, he creates a lot of nuisance and commotion in his house. हम ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसमें एक अंकल पोजर होते हैं जो ट्राई करते हैं कि वो अपने घर में एक पिक्चर हैंग करें और उसी दौरान वो पूरे घर में बहुत सारी मस्ती बहुत सारा हो शोर हल्ला गुल्ला कर देते हैं, कंफ्यूजन कर देते हैं, जिस वजह से उनके घर के कुछ लोग परेशान भी हो जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर. Now read the story on how Uncle Poja creates nuisance as he attempts to hang a picture. In this story, there is one Uncle Poja who tries to hang a picture and in that meanwhile he creates a lot of nuisance. इस स्टोरी में हम ये पढ़ने वाले हैं कि एक घर में एक अंकल रहते हैं जो कि एक पिक्चर को टांगने वाले हैं. उसे हैंग करने के चक्कर में वो पूरे घर में बहुत ज़्यादा शोर मचा देते हैं. You never saw such a commotion up and down a house in all your life as when my uncle Pooja undertook to do a job. आप लोगों ने कभी भी किसी भी घर में इतना ज्यादा धमा चौकड़ी, इतने ज्यादा हलचल नहीं देखा होगा, इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं देखा होगा अपनी पूरी लाइफ में जितना हमारे घर में जब अंकल Pooja ने पिक्चर को हैंग करने का सोच लिया था. मतलब when he decided that he is going to do a job and that job was to hang a picture and in that job, in doing that job, he created a lot of commotion in the house. So moving to the next page, a picture would have come home from the frame makers and be standing in the dining room waiting to be put up and Aunt Pooja would ask what was to be done with it and Uncle Pooja would say. Now the picture would have come. एक पिक्चर आने वाली है एक फ्रेम मेकर्स की तरफ से. वहाँ पे वो पिक्चर अब एक डाइनिंग रूम में रखी जाएगी. अब उस पिक्चर को ले आया गया है उस घर में. Now the picture is waiting कि when this picture will be hanged. Aunt Pooja पूछती हैं. Aunt Pooja ask her husband that when this picture is going to be hanged, कि इस पिक्चर के साथ हम क्या करने वाले हैं या इसको हैंग कब किया जाएगा. और इसी बात पे अंकल Pooja रिप्लाई करते हैं. अंकल Pooja रिप्लाइड, ओ यू लीव दैट टू मी, डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योरसेल्फ अबाउट दैट, आई विल डू ऑल दैट. अब इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर अंकल Pooja से बोलते हैं, अरे डोंट वरी, आप में से किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जस्ट लीव ऑल दीज थिंग्स टू मी, आई विल डू ऑल दैट, मैं सारा काम कर लूंगा, आप लोग कोई भी टेंशन मत लीजिए. एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगिन. नाउ अंकल Pooja वॉज इन कम्प्लीट फॉर्म टू हैंग द पिक्चर. ही टुक ऑफ हिज कोट, उसने अपना उन्होंने अपना कोट उतार दिया और अपना काम स्टार्ट कर दिया. ही स्टार्टेड हिज वर्क. He would send the girl out for 6 pence worth of nails and then one of the boys after her to tell what size to get and from that he would gradually work down and start the whole house. Now what he did, first he said ki he'll start the work and he'll do everything, but what happened, he started the work but according to him he is the one who is doing the work. Lekin what he did, he asked another people to join him and to help him. पहले उन्होंने कहा कि मैं सारा काम कर लूँगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए. लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक एक को काम देना स्टार्ट कर दिया. पहले उन्होंने एक लड़की को बुलाया और कहा कि जाओ जल्दी से कील लेकर आओ, जिससे हम पिक्चर्स को हैंग करते हैं, कोई भी चीज़ को दीवार पे हैंग करते हैं, वॉल पे, वो वाली कील लेकर आओ. फिर उसके बाद एक लड़के को भेजा उसके पीछे कि जाओ उसे ये बताकर आओ कि वो कौन सी साइज की कील लेकर आनी है. और ऐसे करके उन्होंने धीरे धीरे सारे लोगों को काम पे लगा दिया. नाउ यू गो एंड गेट माय हैमर, विल ही वुड शाउट, एंड यू ब्रिंग मी द रूल टॉम. अब
वो चिल्लाकर बहुत ही गुस्से में, ही शाउटिंग ऑन विल, ही कॉल्ड विल दैट विल गो एंड गेट माय हैमर, कि जाओ मेरा हथौड़ा लेकर आओ, एंड यू ब्रिंग मी द रूल टॉम. और टॉम को ऑर्डर देते हैं कि गो गेट मी द रूल, मेरे लिए रूलर लेके आओ, मीन स्केल, एंड आई शैल वॉन्ट द स्टेप लैडर एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर टू. वो बोलता है कि अरे मुझे फिर एक स्टेप लैडर सीढ़ियों की जरूरत भी तो पड़ेगी, आई नीड दैट, और फिर मुझे किचन चेयर की नीड भी पड़ेगी क्योंकि मैं उसी पे चढ़ के तो उस पे जाऊंगा. सो ही स्टार्टेड ऑर्डरिंग एवरीवन. एंड जिम, यू रन राउंड टू मिस्टर गॉगल्स एंड टेल हिम पास काइंड रिगार्ड्स एंड होप्स हिज लेग इज बेटर एंड विल ही लैंड हिम हिज स्पिरिट लेवल. तो वो बोलते हैं कि देखो अब तुम क्या करोगे जिम, तुम जाओ मिस्टर गॉगल्स के पास और उन्हें कहो कि पाने आपको हाय बोला है, और उनसे पूछो कि उनका पैर कैसा है, उनके पैर में लग गई थी. फिर उनसे कहना कि उनकी जो हिम्मत है, उनका जो स्पिरिट लेवल है, वो थोड़ा सा मुझे दे दे क्योंकि मुझे इतना बड़ा काम जो करना है. एंड डोंट यू गो मारिया, मारिया तुम कहीं मत जाना, बिकॉज आई शिल वॉन्ट समबडी टू होल्ड मी द लाइट, बिकॉज आई नीड समवन टू स्टैंड बिसाइड मी टू होल्ड द लाइट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में कोई खड़ा हो जो कि मेरे लिए लाइट पकड़ के खड़ा हो. एंड वेन द गर्ल शी मस्ट गो आउट अगेन फॉर अ बिट ऑफ पिक्चर कॉर्ड एंड टॉम, वेयर्स टॉम, टॉम यू कम हेयर, आई शिल वॉन्ट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर. Now, Uncle Pooja is sending that girl once again to get some picture cords. Picture cords are the supporters of a picture to ha while we which we need to hang a picture. That are the supporters. And now he is calling Tom. Tom, you come here. Tom, तुम इधर आओ. I shall want you to hand me up the picture. कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम यहाँ पर खड़े रहो और पिक्चर को मुझे हैंड ओवर करो, मतलब एज अ सपोर्टर आई वॉन्ट यू हैव. मूविंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर एंड ड्रॉप इट एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास एंड कट हिमसेल्फ एंड देन ही वुड स्प्रिंग राउंड द रूम लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचीफ. अब यहाँ लुक एट द पिक्चर, ही ट्राइज टू हैंग द पिक्चर, ही ट्राइज टू लिफ्ट अप द पिक्चर एंड इन दैट मीन वाइल ही ड्रॉप्ड इट. जब वो पिक्चर को ऊपर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और इस वजह से उनसे वो पिक्चर हाथ से छूट गई और उसका वो फ्रेम से बाहर आ गई. अब वो कांच को सेव करने की कोशिश कर रहे थे तो इस कांच को सेव करने के चक्कर में उनके हाथ पे लग चुकी थी. नाउ हिज हैंड इज ब्लीडिंग एंड ही इज लुकिंग फॉर अ हैंडकरचीफ. वो उनका हाथ में से खून आ रहा है और इस वजह से वो रुमाल ढूंढ रहे हैं अपने आसपास. ही कुड नॉट फाइंड हिज हैंडकरचीफ बिकॉज इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ द कोट ही हैड टेकन ऑफ एंड ही डिड नॉट नो वेयर ही हैड पुट द कोट एंड ऑल द हाउस हैड टू लीव ऑफ लुकिंग फॉर हिज टूल्स एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट वाइल ही वुड डांस राउंड एंड हिंडर देम. नाउ वॉट हैपेंड, अब जिस कोट को वो, जिस कोट में उनका हैंकी था, जिस हैंकी को वो ढूंढ रहे थे, द हैंकी द हैंडकरचीफ विच ही वॉज फाइंडिंग वॉज इन द पॉकेट ऑफ कोट. नाउ वेयर इज द कोट, द क्वेश्चन वॉज अराइज. अब क्वेश्चन पूछा गया कि कोट कहाँ है और वो कोट अभी अभी अंकल पूजा ने उतारा था. अब किसी को नहीं पता कि वो कोट कहाँ गया. अब इस वजह से वॉट ही डिड, ही आस्क्ड एवरीवन टू फाइंड हिज कोट. तो सब लोगों ने अपने अपने टूल्स छोड़ दिए, सामान छोड़कर अंकल पूजा का कोट ढूंढने में लग गए. अब वो ऑर्डर दिए जा रहे हैं और बाकी लोगों को बोले जा रहे हैं कि कम ऑन फाइंड आउट द कोट. डजेंट एनी बडी इन द होल हाउस नो वेयर माई कोट इज, आई नेवर केम अक्रॉस सच अ सेट इन ऑल माई लाइफ, अपॉन माई वर्ड डिडंट सिक्स ऑफ यू एंड यू कांट फाइंड अ कोट आई दैट आई पुट डाउन नॉट 5 मिनट्स अगो, वेल ऑफ द. नाउ अंकल पोजर इज इन ग्रेट एंगर, बहुत गुस्से में है और सबसे पूछ रहे हैं क्या पूरे घर को नहीं पता कि मेरा कोट कहाँ है. नाउ ही इज आस्किंग एवरी वन कि डज नो बडी नो वेयर इज माई कोट. अभी तक, आज तक मैं कभी भी ऐसी फैमिली में नहीं, मतलब मेरे लोगों, मैंने ऐसे लोगों को फेस नहीं किया जिनको यही नहीं पता हो कि मैंने अभी अभी जो चीज रखी है वो कहाँ है.
सिक्स ऑफ यू एंड यू कांट फाइंड अ कोट। तुम इतने लोग हो, 6 लोग हो, फिर भी मैंने 5 मिनट पहले जो कोट रखा है उसको ढूंढ नहीं पा रहे हो। वेल ऑफ द नाउ ही इज इन ग्रेट एंगर। Then he would get up and find that he had been sitting on it and would call out. Now, what happened? After so many efforts, when his coat was not found, then suddenly he got up. अब जब इतनी देर से उनका कोट नहीं मिल रहा था तो वो खड़े हो गए एंड फाइंड दैट ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट एंड वुड कॉल आउट. अचानक से जब वो उठे, वॉट ही फाउंड दैट ही वॉज द ओनली वन हु वॉज सिटिंग ऑन द कोट. वही थे जो कोर्ट पे बैठे थे एंड वुड कॉल आउट. नाउ ही वुड शाउट. अब वो सब पे चिल्लाते हैं. क्या चिल्लाते हैं? नाउ वील सी टर्निंग टू द नेक्स्ट पेज. या वी हैव केम टू नेक्स्ट पेज. ओ यू कैन गिव इट अप. आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ. माइट जस्ट एज वेल आस्क द कैट टू फाइंड एनीथिंग एज एक्सपेक्ट यू पीपल टू फाइंड इट. Now, what uncle is doing? Now, uncle is shouting on everyone that leave it all, you will not find the coat. अब अंकल सब पे चिल्लाते हैं कि रहने दो, तुम्हें कोई कोट नहीं मिलेगा, मुझे कोट मिल चुका है. Because he was the one who was sitting on it. Might just as well ask the cat to find anything as expect you people to find it. Now, what uncle is saying to everyone? कि किसी तुम लोगों को कोई काम बोलने का मतलब है, किसी कैट को कोई काम बोल दो. दैट मीन्स यू पीपल आर यूजलेस, यू पीपल आर नॉट एबल टू फाइंडिंग अ कोट. एंड व्हेन हाफ एन आवर हैड बीन स्पेंट इन टाइंग अप हिज फिंगर एंड अ न्यू ग्लास हैड बीन गॉट, नाउ सो मच ऑफ टाइम इज वेस्टेड. नाउ सो मच ऑफ टाइम इज हैज बीन स्पेंट इन विच थिंग्स. फर्स्ट Some time was spent in tying up his finger because his finger was bleeding due to glass, broken glass, and a new glass had been got because the glass was broken, so a new glass was brought. And the tools and the ladder and the chair and the candle had been brought. He would have another go. The whole family, including the girl and the charwoman, standing round in a semicircle, ready to help. Now, what is going on? Now everything was collected, everything was bring all together to help him. Each and everyone was surrounding Uncle Pooja, like he, this boy, and these girls and women. What they are doing? They are trying to help Uncle Pooja, and they are trying to get all the things together, all the tools together, so that Uncle Pooja could हैंग द पिक्चर. ये सब क्या कर रहे हैं? अंकल पोजर को सारा सामान लाकर यहाँ पर एक जगह रख रहे हैं ताकि अंकल पोजर इजीली पिक्चर हैंग कर पाए. टू पीपल वुड हैव टू होल्ड द चेयर एंड अ थर्ड वुड हेल्प हिम अपॉन इट एंड होल्ड हिम देयर एंड अ फोर्थ वुड हैंड हिम अ नेल. नाउ व्हाट पीपल आर डूइंग? टू पीपल विल होल्ड द चेयर. दो लोग चेयर को होल्ड करके रखेंगे कि अंकल गिरे ना. एंड अ थर्ड वुड हेल्प हिम अपॉन इट. और थर्ड जो पर्सन है वो क्या करेगा? वो उनकी हेल्प करेगा कि वो उस सीढ़ी पे, उस स्टेयर पे चढ़ पाए एंड होल्ड हिम देयर, और उनको वहीं खड़ा रखे. एंड अ फोर्थ वुड हैंड हिम अ नेल. अब फोर्थ जो इंसान है वो क्या करेगा? वो उन्हें कील पकड़ाएगा, नेल. एंड अ फिफ्थ वुड पास हिम अप द हैमर. और फिफ्थ इंसान क्या करेगा? उन्हें हैमर यानी हथौड़ा पकड़ाएगा. एंड ही वुड आस्क होल्ड ऑफ द नेल एंड ड्रॉप इट. नाउ व्हाट ही विल डू? फर्स्ट ही विल गेट द नेल एंड बाय मिस्टेक हील ड्रॉप द नेल. उनके हाथ से वो कील छूट जाती है. देयर ही वुड से इन एन इंजर्ड टोन, नाउ द नेल हैज गॉन. नाउ व्हाट हैपेंड? जैसे ही होल्डेड द नेल, व्हाट हैपेंड? ही ड्रॉप्ड इन अ नेल एंड ही वॉज इंजर्ड ऑलरेडी. सो इन इंजर्ड टोन मतलब उसी आवाज में, उसी दर्द भरी आवाज में ही इज टेलिंग ओ Now the nail has gone, कि अब कील गिर गई मुझसे फिर से. And we would all have to go down on our knees and grovel for it, while he would stand on the chair and grunt and want to know if he was to be kept there all the evening. अब क्या हुआ? अब हम सबको अपने नीज पे बैठना पड़ा, नीचे जमीन पे इधर उधर ढूंढना पड़ा. वी ऑल वर फाइंडिंग फॉर द
नेल कि कहीं से वो नेल मिल जाए, एंड अंकल पोजर वुड गेट इट टू हैंग द पिक्चर. एंड अंकल पोजर, व्हाट अंकल पोजर इज डूइंग, अंकल पोजर इज स्टैंडिंग ऑन द चेयर एंड फ्रॉम दैट प्लेस ओनली ही इज शाउटिंग एंड सेइंग एवरीवन दैट व्हाट हैपेंड, व्हेन विल यू फाइंड द नेल, विल यू फाइंड द नेल इन द इवनिंग और विल यू बी देयर ऑन द ग्राउंड टिल इवनिंग, कि क्या शाम तक तुम्हें वो कील मिलेगी या शाम तक तुम उसी जमीन पे चक्कर लगाते रहोगे. नाउ द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट, अब हमें कील मिल चुकी है, बट बाय दैट टाइम ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर. लेकिन अब उन्होंने उस तब समय तक, उस टाइम तक उन्होंने अपना हैमर खो दिया. ओ अंकल पूजा, व्हाट यू आर डूइंग, फर्स्ट यू ड्रॉप्ड द नेल, नाउ यू हैव लॉस्ट द हैमर, नाउ व्हाट हैपेंड, नॉट व्हाट विल वी डू, वेयर इज द हैमर, व्हाट डिड आई डू विद द हैमर, ग्रेट हेवन, सेवन ऑफ यू गैपिंग राउंड देयर एंड यू डोंट नो व्हाट आई डिड विद द हैमर. अब हैमर किसने खोया, अंकल ने, नेल किसने खोई थी, अंकल ने. नाउ ही इज शाउटिंग ऑन अस ओनली, कि वो हमसे, हम पे ही चिल्ला रहे कि वेयर इज द हैमर, कहाँ है हथौड़ा, अब मैंने हैमर कहाँ रख दिया भगवान, सेवन ऑफ यू, तुम सेवन पीपल हो एंड यू डोंट नो वेयर आई हैव केप्ट माई हैमर, वेयर आई हैव केप्ट माई नेल, तुम इतने लोग हो तुम्हें पता नहीं चलता कि मैंने अपनी नेल कहाँ घुमा दी, अपना हथौड़ा कहाँ रख दिया. नाउ वॉट अंकल पोजर इज डूइंग, अंकल पोजर इज लूजिंग एवरी थिंग एंड ऑल्सो शाउटिंग ऑन एवरी वन, सारी चीजें खो तो खुद रहे हैं और चिल्ला बाकी सब पे रहे हैं. वी वुड फाइंड द हैमर फॉर हिम एंड देन ही वुड हैव लॉस्ट द साइट ऑफ द मार्क ही हैड मेड ऑन द वॉल. अब हमने उनके लिए हथौड़ा तो ढूंढ दिया, हैमर तो ढूंढ दिया, वी हैव फाइंड हैमर फॉर हिम नाउ, बट बाय दैट टाइम ही वुड हैव लॉस्ट द साइट ऑफ मार्क ही हैड मेड ऑन द वॉल. नाउ द मार्क वॉज मेड ऑन द वॉल, कि एक यहाँ पर एक जैसे कि एक छेद स्पॉट बनाया गया जिस पे हम कील को लगाने वाले हैं, लेकिन इतने पूरे टाइम में उन्होंने ये मार्क भी खो दिया. अब उन्हें ये नहीं पता कि मुझे नेल कहाँ लगानी है. ऑफ अस हैड टू गेट अप ऑन द चेयर एंड बिसाइड हिम सी इफ वी कुड फाइंड इट एंड वी वुड ईच डिस्कवर इट इन अ डिफरेंट प्लेस. नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन, नाउ व्हेन द स्पॉट हैज बीन लॉस्ट, वन बाय वन वी विल गेट द चेयर द लेडर. अब जब वो स्पॉट नहीं मिल रहा है तो हम एक एक करके उस लेडर पे चढ़ेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द स्पॉट, बट वॉट इज हैपनिंग, ईच एंड एवरी पर्सन हु इज गेटिंग अप द लेडर इज फाइंडिंग द स्पॉट इन अ डिफरेंट प्लेस. जो भी लेडर पे चढ़ रहा है वो अपना स्पॉट अलग अलग जगह पे ढूंढ रहा है. एंड ही वुड टेक द रूल, अब अंकल पोजर अपना रूल यानी कि स्केल निकालते हैं एंड री मेजर. नाउ ही री मेजर द स्पॉट एंड फाइंड दैट ही वॉन्टेड हाफ 31 3/8 inches फ्रॉम द कॉर्नर एंड वुड ट्राई टू डू इट इन हिज हेड एंड गो मैड. नाउ वॉट अंकल इज डूइंग, ही इज ट्राइंग टू री मेजर द स्पॉट वेयर ही विल पुट द मार्क एंड पुट द नेल एंड द पिक्चर. नाउ ही विल मेजर विद द स्केल कि 31 यहाँ से और 3/8 inches यहाँ से मुझे बीच में यहाँ पर स्पॉट करना है, लेकिन ही इज ट्राइंग टू कैलकुलेट दिस इन हिज माइंड. अब वो ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं तो ही इज गेटिंग कंफ्यूज, ही इज गेटिंग मैड. नाउ टर्निंग टू द नेक्स्ट पेज, नाउ वी हैव कम टू नेक्स्ट पेज. नाउ यू कैन सी द पिक्चर्स ऑन द नेक्स्ट पेज, दिस वन एंड दिस वन. वी विल रीड अबाउट दीज पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ्स एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन आर हेड्स एंड ऑल अराइव एट डिफरेंट रिजल्ट एंड स्नियर एट वन अनदर. नाउ द कैलकुलेशन विच वॉज गोइंग ऑन अंकल पूजर्स माइंड विच वॉज मेकिंग हिम मैड, जो कैलकुलेशन अंकल पूजर के माइंड में चल रही थी और जिस वजह से अंकल पूजर कन्फ्यूज हो गए थे, नाउ वी ऑल आर ट्राइंग टू डू दैट कैलकुलेशन इन आर माइंड. अब हम वही कैलकुलेशन अपने अपने दिमाग में कर रहे हैं एंड वी ऑल आर फाइंडिंग डिफरेंट रिजल्ट, हम सबको अलग अलग रिजल्ट मिल रहे हैं एंड वी आर स्नेयरिंग एट वन अनदर. अब हम एक दूसरे को देख रहे हैं. एंड इन द जनरल रो द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगॉटन एंड अंकल पोजर वुड हैव टू मेजर इट अगेन.
Now, what is happening? Doing the calculation in different heads. Uncle Pooja is not getting a particular measure. Just अंकल पूजर को वो पर्टिकुलर जगह का मेजरमेंट नहीं मिल पा रहा कि जिस पे हमें वो छेद करके उस पे नेल करना है और पिक्चर टांगनी है. तो इसी वजह से अंकल पूजर वुड हैव टू मेजर इट अगेन. अंकल पूजर इज ट्राइंग टू मेजर द कैलकुलेशन टू पुट द स्पॉट, टू मार्क द स्पॉट. ही वुड यूज अ बिट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम. नाउ द स्केल इज नॉट गेटिंग ऑफ नो यूज इज ऑफ नो यूज लाइक द स्केल विच अंकल पोजर पोजर वॉज यूजिंग टू री मेजर. नाउ ही इज फाइंडिंग द स्केल ऑफ नो यूज. अब अंकल पोजर उस स्केल से तो कुछ कर नहीं पा रहे. सो वॉट ही इज ट्राइंग टू यूज द स्ट्रिंग दिस टाइम. अब अंकल पोजर एक स्ट्रिंग यानी एक धागा यूज करेंगे. एंड एट द क्रिटिकल मोमेंट व्हेन द ओल्ड फूल वाज लीनिंग ओवर द चेयर एट एन एंगल ऑफ 45 एंड ट्राइंग टू रीच अ 0.3 इंचेस बियॉन्ड व्हाट वाज पॉसिबल फॉर हिम टू रीच. नाउ अंकल पोजर इज ट्राइंग टू मेजर द मार्क विद अ स्ट्रिंग. एक धागे से मेजर करने के चक्कर में व्हाट ही डिड ही इंक्लाइंड एट अ मेज एट एंगल ऑफ 45. वो एक 45 एंगल तक उस धागे को खींच लिया कि मुझे यहाँ से यहाँ तक, लाइक अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का खींचना है तो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं यहाँ पे टेढ़ा होके उसको खींच रहा हूँ. नाउ वॉट अंकल डेड, थोड़े टेढ़े हो गए और धागे को खींचा और इस वजह से ही स्लिप्ड फ्रॉम द चेयर एंड ही गॉट ऑन टू द पियानो. अब वो वहां से तो चेयर से तो फिसल गए और इस वजह से वो पियानो पर आ गिरे. अ रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द सडननेस विद विच हिज हेड एंड बॉडी स्ट्रक ऑल द नोट्स एट द सेम टाइम. अब क्या हुआ, जैसे ही अंकल पोजर पियानो पे गिरे तो अब अंकल पोजर का जो सर है वो पियानो के बटन्स पे गिरा. अब पियानो के बटन्स पे गिरेगा तो व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली एक म्यूजिक आएगा क्योंकि अगर हम हाथ से बटन को प्रेस करते हैं तो म्यूजिक आता है. अब अंकल ने तो अपने सर से ही सारे बटन्स को प्रेस कर दिया तो एक म्यूजिक की आवाज आई. एंड आंट मारिया वुड से दैट शी वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन टू स्टैंड राउंड एंड हियर सच लैंग्वेज. अब वहां पे बहुत सारा कमोशन हो रहा था, वो बहुत सारा शोर हो रहा था. एवरीथिंग वॉज मेस्ड अप बिकॉज अंकल वॉज फॉलन डाउन एंड someone was laughing, someone was shouting. So Aunt Maria said that she would not allow children to stand there because children are not supposed to hear that language, hear that shoutings. उन्हें लगा कि बच्चों को ये सब आवाजें, बच्चों को ये सब चिल्लाने वाली चीजें नहीं सुननी चाहिए. एट लास्ट अंकल पोचर वुड गेट द स्पॉट फिक्स्ड अगेन एंड पुट द पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट विद हिज लेफ्ट हैंड. लास्ट में क्या हुआ, अंकल पोजर वुड गेट द स्पॉट फिक्स्ड अगेन एंड पुट द पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट विद हिज लेफ्ट हैंड. नाउ फाइनली अंकल पोजर हैड सिलेक्टेड अ पॉइंट वेयर ही वुड पॉइंट अ नेल एंड ही वुड हैंग द पिक्चर फ्रॉम हिज लेफ्ट हैंड एंड टेक द हैमर इन हिज राइट हैंड एंड विद द फर्स्ट ब्लो ही वुड स्मैच हिज थंब एंड ड्रॉप द हैमर विद अ येल ऑन समबडीज टो. नाउ व्हेन ही गॉट द स्पॉट, जब उन्हें वो स्पॉट मिल गया जिसमें नेल डालनी है, तो उन्होंने एक हाथ से लेफ्ट हैंड से कील को पकड़ा, नेल को पकड़ा एंड द राइट विद द राइट हैंड ही होल्ड द हैमर. उन्होंने अपने सीधे हाथ से हथौड़ा पकड़ा. नाउ व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, ही इज ट्राइंग टू पुट द नेल विद द पुश ऑफ हैमर, कि वो एक हैमर मारेंगे और वो कील अंदर चली जाएगी. लेकिन जैसे ही उन्होंने हैमर उठाया और हैमर को पुश किया, सो इंस्टेड ऑफ पुशिंग ऑन टू नेल ही पुश्ड इट ऑन हिज थंब. उस कील पे मारने की जगह उन्होंने अपने अंगूठे पे मार दिया और जिस वजह से वो चिल्लाए और उन्होंने वो अपना हथौड़ा किसी और के पैर पे दे मारा. नाउ बोथ आर इंजर्ड, द पर्सन हुज टो इज इंजर्ड बाय द हैमर एंड अंकल पोजर हिमसेल्फ हुज थंब इज इंजर्ड विद द हैमर. नाउ व्हाट विल हैपन, आंट मारिया वुड माइल्डली ऑब्जर्व दैट नेक्स्ट टाइम.
we are turning to next page. So we have come to next page. Uncle Pooja was going to hammer a nail into the wall. She hoped he would let her know in time so that she could make all the arrangements to go and spend a week with her mother while it was being done. Now, while all these things were happening, Aunt Maria was thinking in her mind. जब ये सारी चीजें हो रही थी तो आंट मारिया खुद के दिमाग में सोच रही थी कि अंकल पूजर, एज सून एज अंकल पूजर विल हैंग दिस पिक्चर एंड द मोमेंट ही विल हैंग दिस पिक्चर शी विल गो टू हिज मदर्स हाउस टू स्पेंड सम टाइम विद हर. आंट मारिया सोच रही थी कि जितना जल्दी अंकल पूजर इस पिक्चर को हैंग करेंगे शी विल लेफ्ट टू हर मदर्स हाउस, वो अपने मम्मी के घर चली जाएंगी. ओ यू वुमेन, you make such a fuss over everything, uncle pooja would reply picking himself up. Why, I like doing a little job of this sort. ab uncle pooja is being angry. ab uncle pooja ko gussa aa raha hai ki what you make such a fuss over everything, ki what you people do, what you women do. like uncle pooja means women nothing. wo kisi lady ko aisa bol rahe hain ki you can't do anything because this little thing also needs me. ये छोटी भी चीज को भी मेरी जरूरत पड़ रही है काम करने के लिए. सो ही इज सेइंग इट ऑल व्हाइल पिकिंग हिमसेल्फ अप एंड देन ही वुड हैव अनदर ट्राई. अब अंकल पूजर एक और ट्राई करते हैं एंड एट द सेकेंड ब्लो द नेल वुड गो क्लीन थ्रू द प्लास्टर एंड हाफ द हैमर आफ्टर इट एंड अंकल पूजर बी परसिपिटेटेड अगेंस्ट द वॉल विद फोर्सली नियर सफिशियंट टू फ्लैटन हिज नोज. नाउ इन द नेक्स्ट ट्राई व्हाट ही डिड, ही pushed the hammer so tight, he pushed hammer so hard that the nail would have gone into the wall directly and with the nail his nose also pushed to the wall. उन्होंने इतना तेज हैमर को मारा कि वो नेल पूरी उस वॉल में चली गई और साथ में उनका नोज भी उस वॉल से टच हो गया और उनको नोज पे लग गई. Then we had to find the rule and the string again. Now everything was lost again. तो इसीलिए we had to find the rule. हमें फिर से scale, फिर से वो धागा string को ढूंढना पड़ा. And a new hole was made. एक नया hole बनाया गया. And about midnight the picture would be up very crooked and insecure. The wall for yards round looking as if it had been smoothed down with a rake and everybody dead beat and wretched except Uncle Pooja. Now what happened? At last a new hole was made and the picture was hung and the picture was looking like the picture and the wall was looking like it had been smoothed, it had been destroyed by someone, it had been damaged. jab picture lagayi gayi aur picture jis tarah se jis wall pe lagayi gayi aisa lag raha tha ki us picture ko us wall ko bahut hi gandi tarike se kharab kiya gaya hai, us pe damage kiya gaya hai. You can see the picture of wall in the previous page. Previous page पे देखेंगे कि जो picture है, जो wall है, वो किस तरह से लगाई जा रही है. See, you can see the picture here. कि ये जो wall है, ये picture भी टेढ़ी टंगी है. The picture is almost and the wall is damaged completely. Like this, the uncle poacher has hung the picture. There you are, he would say, stepping heavily off the chair on the charwoman's cones and surveying the mess he had made with evident pride. Why some people would have had a man in to do little things like that? Now Uncle Pooja is being proud of himself. Uncle Pooja ko lag raha hai ki sari cheezon unhone hi ki hai. So, and Uncle Pooja is very feeling very fresh and other people are very tired because most of the work has been done by other people and Uncle Pooja was only ordering everyone. Uncle Pooja sirf logo ko order kar rahe the, baki sara kaam to logo ne kiya, isiliye sare log to tired ho gaye and Uncle Pooja was feeling fresh. And while stepping off the chair, apni chair se utarte waqt, he is proudly saying that he had done this and he is not even फीलिंग कि उन्होंने इतना सब कुछ मेस क्रिएट किया है एंड ही हैज डन नथिंग, ही हैज मेड एवरीवन टायर्ड, उन्होंने बल्कि सबको थका दिया है. एंड व्हाट ही इज सेइंग,
इतनी सी भी चीज में मुझे मेरी ही जरूरत क्यों पड़ी, एक आदमी की जरूरत क्यों पड़ी। ही इज नॉट फीलिंग कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, ही इज फीलिंग कि सब कुछ काम उन्होंने किया। ही हैज डन एवरीथिंग, ही हैज हंग द पिक्चर प्रॉपरली, ही हैज नॉट टेकन एनी वंस हेल्प। बल्कि लेकिन रियलिटी क्या है, वॉट इज द रियलिटी? ही हैज टेकन एवरी वंस हेल्प, उन्होंने सबकी हेल्प ली है। एवरी वन हैज हेल्प्ड हिम, ही एवरी वन हैज मेड ऑल द टूल्स टूगेदर टू हेल्प हिम। समवन होल्ड हेल्ड हिज चेयर, समवन पास्ड द नेल्स, समवन पास्ड द पिक्चर, एवरी वन हैज हेल्प्ड हिम। लेकिन उनको ये चीज नहीं समझ आ रही है, वॉट ही इज सेइंग कि ही हैज डन एवरी थिंग बाय हिमसेल्फ एंड द पीपल लाइक देम, मतलब घर वालों को इतनी सी चीज के लिए उनकी जरूरत पड़ी है। सो फाइनली दिस इज अंकल पोजर, ही इज फीलिंग प्राउड ऑफ द वर्क ही हैज डन। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। प्लीज सी दिस वीडियो वंस और ट्वाइस टू अंडरस्टैंड इट बेटर एंड टू फाइंड द क्वेश्चन आंसर्स बेटर।